सुप्रभात बिहार, मैं हूं अंकित अमन और आप देख रहे हैं बिड न्यूज बिहार। तो आज फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने आज की ताजा खबरों के साथ। अब बिहार पुलिस ऑनलाइन आवेदन सुनेगी। आवेदन के लिए आप बिहार पुलिस जल्द वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है। उस वेबसाइट पर यह भी ब्यौरा होगा कि कितने केस सॉल्व हो चुके हैं और कितने केस सॉल्व होने बाकी हैं। ऑयल इंडिया रिक्रूटमेंट ने 120 पदों पर जूनियर असिस्टेंट के लिए निकाली है भर्तियां, जिसको आप उसके वेबसाइट www.oilindia.com पर जाकर 15 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। जो व्यक्ति आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए कुछ शर्तें हैं। वो व्यक्ति 10+2 किसी भी रजिस्टर्ड बोर्ड से पास हों और उनके पास 6 मंथ की कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री होगी और साथ ही साथ MS Excel, PowerPoint और MS Word की जानकारी भी होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर एक और फैसला सुनाया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान अगर कोई अपने विरोधी पर निजी तौर पर टिप्पणी करते हैं या गलत शब्द अपशब्द का प्रयोग करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ना आप धर्म पर बोल सकते हैं, ना किसी संप्रदाय पर बोल सकते हैं, ना उस उम्मीदवार के निजी जिंदगी जिसका समाज से कोई लेना देना ना हो उस पर आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करने वाले उम्मीदवार पर या लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयुष्मान कार्ड में शिकायत को लेकर बिहार का 5वां स्थान। पूरे देश से कुल मिलाकर 2107 शिकायत आयुष्मान कार्ड के खिलाफ गई थी, जिसमें से बिहार से 214 शिकायत हैं। लचर व्यवस्था के कारण आयुष्मान कार्ड का लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ठीक से इलाज मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने सांसद ललन सिंह। बिहार के व्यापारियों के लिए रेलवे ने निकाली एक खुशखबरी। रेलवे के वेबसाइट ecr.indianrailway.gov.in पर गुड सीट्स की जानकारी मुहैया करवाई जाएगी कि आखिर गुड सीट्स कहां पहुंचा है, कितने देर तक पहुंच जाएगी, इसकी सटीक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और वेबसाइट में सुधार किया है, उसे मोबाइल फ्रेंडली बनाया है ताकि लोगों के समस्या को जल्दी से सॉल्व किया जा सके। वह वेबसाइट है biharbhumi.bihar.gov.in। 2 अगस्त तक मौसम विभाग ने पूरे बिहार राज्य में भारी बारिश के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास और आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने यह घोषणा की है कि पटना के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को, उन शहरी गरीबों को 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बहुमंजिला इमारतें प्रदान की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है कि पंचायत चुनाव के अगले दिन ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आज 1 अगस्त से बदल जाएंगी कुछ नियमें। डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट वाले अगर सोमवार को KYC पूरा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सैलरी पेंशन EMI का भुगतान 2400 घंटे होगा, यहां तक कि छुट्टी के दिन भी आप इसका भुगतान कर सकते हैं। UDAI ने ट्वीट करके यह जानकारी दिया है कि अगर आपका आधार कार्ड खो जाता है तो अब परेशानी की बात नहीं है। उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिया है कि आप आधार कार्ड के बदले आधार लेटर, ई आधार या आधार PVC कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं, इसको भी पूर्ण मान्यता दी जाएगी। पटना वुमेन्स कॉलेज में BA का एंट्रेंस एग्जाम शनिवार को होना था, तकनीकी गड़बड़ी के कारण एंट्रेंस एग्जाम सफल नहीं हो पाया, तो कॉलेज ने घोषणा किया है कि एंट्रेंस एग्जाम दोबारा 4 अगस्त को लिया जाएगा। धन्यवाद, आप बने रहिए बीटी न्यूज़ बिहार के साथ और हम आपको नित्य नई खबरें पेश किया करेंगे।